हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी मैं दिखा रही हूँ, ये है बैंगन, छोटे वाले बैंगन मैंने लिए हुए हैं। तो ये छोटा वाला बैंगन हमने लिया हुआ है, एकदम मीडियम से भी छोटा है ये, देख लो। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, नमक और हल्दी मिलाया है मैंने तीन तेल लगा के, ताकि जो मैंने कट किया ना इसके अंदर भी नमक हल्दी और थोड़ा सा नमक इसके अंदर चला जाए। तो इसलिए मैंने इस तरह से किया हुआ कोट एंड उसके बाद जो तेल हमारा गर्म हो गया, देखिए हमने कर लिया। तो हमें सारे जो है, तो हम ये सारे बैंगन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फ्राई करके बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बना ली मैं इस छोटे बैंगन के साथ। गंडी भी मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो आप हमेशा उस तरीके के बैंगन के सब्जी खाएंगे जो कट करके आलू के साथ बनाते हैं। तो आज मैं एक डिफरेंट तरीके से बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा ये सब्ज़ी, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ बैंगन हो गई है फ्राई, उसके बाद हम मसाला फ्राई कर रहे हैं। तो मसाला में मैंने, तो यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं प्याज को, पीस के लिया है मैंने प्याज को। हम इसे खुशबू जाने के तक इसे हम पकाएंगे, और उसके बाद हम इसे मिलाएंगे नमक हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मिला लिया मैंने नमक हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, इसे हम इसे मिला लेंगे पहले। तो आज मैं मसाले को सूखा ही पका रही हूँ, देख सकते हो मैंने हम सब पानी डाल के पकाया, तो आज मैं सूखा पका रही हूँ। सबसे पहले प्याज को मैंने यहाँ पका लिया, उसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे टमाटर जो हमने पीसा हुआ है। यहाँ भी हम टमाटर को पेस्ट ले रही हूँ। तो टमाटर पेस्ट डालने के बाद मैंने लिया है धनिया पाउडर और ये है गर्म मसाला पाउडर, इसे भी हम मिला लेंगे, मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो यह मसाला फ्राई हो रहा है मेरा, मतलब पक रहा है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, एक चम्मच बेसन डाल रही हूँ, क्योंकि हमें बनाना है लिक्विड, मतलब तरी जो बनाना है थोड़ी गाढ़ी बनानी है, तो यहाँ हम बेसन ऐड करेंगे, तो जो हमारी करी है वो थोड़ी गाढ़ी बन जाएगी, और जो बैगन हमने लिया हुआ है छोटा वाला वो अच्छे से मसाले में कोट हो जाएगा। तो इसलिए हम मसाले को पहले अच्छे से कोट कर लेंगे सारे, बेसन जो हमने डाला है उसे भी हम पका लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तो फिर मसाला अपनी कढ़ाई छोड़ देता है ना, मतलब बर्तने और तेल ही कर देते ना, तब समझो कि मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, और हमारा अभी भी नहीं, थोड़ा सा अभी और बाकी पकाना। तो जब थोड़ा सा और पक जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और भी मसाला पका लेते हैं। तो हो गया मसाला फ्राई, तो अगर रिक्वायर्ड रहती है आपको पानी डालने की तो आप जरूर डाल सकते हो। तो मैंने भी यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया था, एंड उसके बाद अब हम यहाँ पानी डालेंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो भाप निकल रही है ना वो आ रही है कैमरे में, बस अब हम इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद हम थोड़ा पका लेंगे। तो ये हमने पानी डाल दिया है, ऊपर से हमें डालना है, पता ही आपको। तो ये डाला मैंने स्प्रिंग अनियन, इसे मैं अब थोड़ा खोला लूँगी, पानी खोल जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन। तो बस थोड़ी देर के लिए हम इसे थोड़ा पानी को खोला के उसके बाद बैंगन डालते हैं। करी खोलने लगा है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है मैंने आलू के पराठे बनाए थे उसके चोखे बचे हुए, तो मैं इस चोखे को इसमें डालूँगी। तो अगर आपके भी कभी कोई सब्ज़ी बच जाती है, या आप इस तरीके का कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर इस तरीके से चोखा बच जा रहा है तो आप तरी में ज़रूर डाल दें सरमाना, जिससे क्या है ना कि आपका सब खाना जो है, सब्ज़ी जो है थोड़ा टेस्टी बन जाता है, और जो सब्ज़ी हमारी बची हुई है ना वो बर्बाद भी नहीं होती। तो अब किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने इसमें दिन की सब्ज़ी या शाम की सब्ज़ी आपने इसमें मिलाई हुई है। तो बस ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। मैं अक्सर ये अगर सब्ज़ी कभी भी मेरी बच जाती है ना, तो मैं ज़रूर इस तरीके से दूसरी सब्ज़ी जब बनाती हूँ उसमें मिला देती हूँ, खासकर तरी वाली जब सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना उसमें मिला देती हूँ। अब एक एक करके हम इसमें बैंगन डाल देंगे, क्योंकि बैंगन में जो जब नमक या मसाले जाने हो वो चला जाए थोड़ा बैंगन के अंदर, तो जिससे बैंगन में भी नमक और मसाले मिल जाए। तो थोड़ा देर ऐसे भी 5 से 10 मिनट तक हम बैंगन को डालकर और पका लेंगे, उसके बाद हम मेरा सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। तो कैसी लगेगी आपको ये रेसिपी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी और भी रेसिपी देखने को मिलेगी। और मैं एवरीडे अपनी मैं वीडियो डालती हूँ, और अगर आपको शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती है मेरे मेकअप की, अगर आप और भी कोई चीज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको नई नई वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।